हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना एटीएम कार्ड के यूपीआई पिन कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर आपके पास में बैंक अकाउंट एसबीआई, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे कोई भी बैंक का अगर आपके पास में बैंक अकाउंट है, तो उसका डायरेक्टली बिना एटीएम कार्ड के साथ में आप यूपीआई पिन बना ही नहीं सकते। कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप यूपीआई पिन बना सकेंगे। लेकिन अगर आपको यूपीआई स्टार्ट करना है बिना एटीएम कार्ड के, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और अगर आपका एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ऐसे कोई भी बैंक का अकाउंट है, उसका एटीएम कार्ड आपके पास में नहीं है, तो आपका जो है यूपीआई पिन स्टार्ट नहीं होगा उस बैंक के साथ में। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर से जो है पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप पेटीएम सर्च कर लीजिए, इसमें आपको पेटीएम को जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास में पहले से डाउनलोड है तो सिंपली इसको आप अपडेट कर दीजिए। सबसे लेटेस्ट वर्जन पे आपको इसे अपडेट कर लेना है। तो सिंपली अपडेट होने के बाद आपको जो है पेटीएम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा। अगर आप नए हैं यूज़र, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा पेटीएम। आपको नहीं पता पेटीएम लॉगिन कैसे करना है, तो सिंपली कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि मुझे नहीं पता कैसे करना है, मैं आपको वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे केवाईसी ऑप्शन सर्च कर लेना है। जैसे आप केवाईसी सर्च करेंगे, यहाँ पे केवाईसी नियर बाय पॉइंट जो ऑप्शन दिख रहा है सर्विस थ्री में, आपको जो है उस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे, ये आपकी लोकेशन मांगेगा, इसको आपको ओके कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूअर केवाईसी इज कम्प्लीट, मेरे इसमें ऐसे बता रहे क्योंकि मैंने पहले केवाईसी कम्प्लीट कर ली है। आपको जो है यहाँ पे कोई भी आपको दुकान का या फिर कोई शॉप का आपको एड्रेस आ जाएगा, वहाँ पे जाके आपको जो है पेटीएम की केवाईसी करवानी पड़ेगी। उसके बाद सिंपली आपकी केवाईसी कम्प्लीट करवाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री के बाजू में पेटीएम बैंक का आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही टैप करेंगे, यहाँ पे आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा और पेटीएम बैंक का अकाउंट आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट मिल गया, सिंपली आपको फ़ोन पे, गूगल पे या फिर कोई भी एक यूपीआई ऐप ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा होम पेज पे आ जाता हूँ। देखिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली माय प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जो है ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखना है आपको। सिंपली यहाँ पे जाइए, व्यू ऑल पेमेंट्स मेथड्स, यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन, यहाँ पे आपको सर्च करना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपका जो है अकाउंट फाइंड करने के लिए फ़ोन पे करेक्ट कर लेंगे और आपका जो है लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप, मेरा यूपीआई पिन पहले ही बनाया है, आप यहाँ पे यूपीआई पिन बना सकते हैं और सिंपली जो है आपका फ़ोन पे, गूगल पे स्टार्ट हो जाएगा पेटीएम के थ्रू। और अगर आपका एसबीआई फ़ोन, बाकी कोई भी अगर बैंक का है, नेशनलाइज बैंक का, तो उसका आपको एटीएम कार्ड ही लगेगा जब भी आपको मनी विड्रॉल करना है या फिर मनी डिपॉजिट करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो रियल लगे या जेन्युइन लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।